हरे कृष्णा राधे राधे। पूजा देसी किचन वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर दम। तो करते हैं हम अब आलू मटर दम बनाना स्टार्ट। मैंने ये 1 किलो आलू लिए हैं और मैं आलूओं को उबालने के लिए रखती हूँ। आलूओं को हम इतना उबालेंगे कि हमारा कोई भी आलू फटे नहीं, और बस हम इसमें 1 ही सीटी लगाएंगे। गाइज, मेरे आलू उबल चुके हैं, देखो एक भी आलू इनमें से ना ही तो फटा है और ना ही टूटा है। इसी तरीके से हमें आलू उबाल लेने हैं और अब हम इन्हें छील लेंगे। और इधर मैं करती हूँ मसाला तैयार। तो मैंने 1 लहसुन के गांठ लिए, लाल मिर्चें हैं, ये जो हरी थी वो लाल हो चुकी हैं, और ये 3 प्याज लिए, 1 टमाटर है और ये अदरक है। अब मैं इनका एक पेस्ट बना लूँगी। गाइस देखो, तेल हमारा पक चुका है, तो अब हम इसमें तलेंगे आलू। तो मैं इसमें आलू डालती हूँ और सुनहरा होने तक हम आलूओं को तलेंगे। गाइस, मेरा मसाला पिस चुका है और ये आलू उबल गए मेरे और ये मटर भी उबल गई है। तो अब हम करते हैं सब्जी बनाने स्टार्ट। तो मैं यहाँ जीरा डाल दूंगी, अब ये डालूंगी हमें तेजपात का पत्ता। तो इधर हम मसाले तैयार करते हैं अपने। ये हल्दी ले ली मैंने, मिर्च मैंने लाल पीस ली थी मसाले में, तो मैं दोबारा नहीं डालूंगी। और ये मैंने धनिया लिया है और ये घर का पिसा हुआ मसाला गरम। मसाले उठाकर डाल दो। थोड़ी सी डालूंगी हमें हींग की खुशबू सब्जी में बहुत ही अच्छी आती है। ये डाल दी हमें हींग, मसाला हमारा भून रहा है। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। अब ये डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, इसे हम चलाएंगे। अरे मसाले को जब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ देगा। गाइज, हम यहाँ को देसी भाषा में जैसे बहुत से चार अंडा ना खाना, तो उनको अंडा खाने को मन करे कि जी अंडा की सब्जी बड़ी स्वाद बने, तो यही तरीका से हम या को हम अंडा करी भी कह सकें, क्योंकि तल के आलू बिल्कुल ऐसे है हमें अंडा की तरह, तो हम यहाँ अंडा करी भी कह सकते हैं। और सब्जी ऐसी बहुत ही स्वादिष्ट बने है, बहुत ही अच्छी, एक बार बना कर देखो तुम्हें, सब्जी में बहुत अच्छी लगे। इतना मेरा मसाला पक रहा, तो मैं इन आलू में हल्के हल्के ये चम्मच को छेद कर देंगे, क्योंकि इनमें आलू में ही पानी जो सब्जी का अंदर तक पहुंच जाएगा, तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये रहे, इस तरीका से मैं सारे आलू में चम्मच लगा दूंगी। ये रहे, ऐसे करके छेद कर दूंगी सारे आलू में। गाइस, मसाला देखो मेरा कितना अच्छा पक चुका है और इसमें तेल भी अलग हो चुका है। तो सब्जी अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ आलू। आलू मैंने डाल दिए हैं, तो मैं इन्हें 2 से 3 मिनट तक मसाले में पकाऊंगी, क्योंकि आलू अच्छे से मेरे मिक्स हो जाए इसमें। ये रहे, अब इसमें मैं डाल दूंगी उबला हुआ मटर, जो कि आलू दम और मटर। ये अब हम इसको चलाएंगे और मंदी मंदी आंच पर इसको मैं पकाऊंगी।
देखो कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। गाइज ये मेरा हरा धनिया है और अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी सब्जी में। सब्जी मेरी उबल रही है और मेरा घर का हरा धनिया है। धनिया को डालकर सब्जी को हम चलाते हैं और 2 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी जो कि हमारा धनिया कचर कचर ना बोले। अभी सब्जी में थोड़े झाग से दिख रहे हैं तो मैं थोड़ी सी और पकाती हूँ अभी इसे। गाइस देखो सब्जी हमारी उबल चुकी है और कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो अब हम सब्जी परोसते हैं गर्मा गर्म खाने के लिए और भूख लग रही है बच्चों को बहुत तेज। तो अब मैं सब्जी करती हूँ। आप ये रही, आप अंडा तरी भी बोल सकते हैं इसे, आलू मटर दम भी बोल सकते हैं। और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को प्रेस करो।